हेलो दोस्तों, मैं धीरेन्द्र स्वागत करता हूं आपका एग्जाम स्टडी विद संगीता में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जीके जीएस जीए के टॉप 100 क्वेश्चन का एक और नया क्विक रिवीजन सेट। दोस्तों, ये इस सीरीज का पार्ट 64 है। यदि आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लेकर आता हूं, जो कि बार बार प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक, हाल ही में जनवरी 2020 में कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, याद रखिएगा। कोलकाता पोर्ट के 150वें वर्ष के उत्सव के अवसर पर कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह कर दिया गया है। किस सोशल मीडिया ऐप का लोगो कैमरा लेंस के आकार में बनाया गया है? सही आंसर है इंस्टाग्राम। वायुमंडलीय दाब को मापने वाला यंत्र है? सही आंसर रहेगा बैरोमीटर। रानी की बाव, जो कि एक बावली या बावड़ी है, किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है गुजरात। हाल ही में 2020 में कोरोना वायरस का पहला मामला किस देश में दर्ज किया गया? सही आंसर है चीन। पंठारपुर किस नदी के किनारे बसा है? सही आंसर है भीमा नदी। गर्दन की सात कशेरुका क्या कहलाती हैं? सही आंसर है सर्वाइकल। हाल ही में 2020 में आरबीआई ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? सही आंसर है माइकल देवव्रत पात्रा। वेनेगर में क्या होता है? सही आंसर रहेगा एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन। हाल ही में 2020 में तसाइंग इंगवेन किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? सही आंसर है ताइवान। किस खिलाड़ी का निकनेम हिटमैन है? सही आंसर है रोहित शर्मा। पूर्व का स्कॉटलैंड के नाम से किसे जाना जाता है? आंसर रहेगा मेघालय। कौन सी शारीरिक विशेषता एशियाई हथनियों में नहीं पाई जाती? आंसर है बाहरी दांत। हाल ही में 2020 में रॉबर्ट अबेला किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? सही आंसर है माल्टा। जीन्स सबसे पहले बाजार में किसने उतारा? सही आंसर है लेवी स्ट्राउस कंपनी के द्वारा। भारत का पहला घरेलू डेबिट और क्रेडिट कार्ड पेमेंट नेटवर्क है? आंसर है रुपे। दक्षिण का ब्रिटेन किसे कहते हैं? सही आंसर है न्यूजीलैंड। हाल ही में 2020 में विश्व इज्तेमा का पहला चरण कहां संपन्न हुआ? आंसर है बांग्लादेश। ताजमहल और चार मीनार हैदराबाद में से कौन सा स्मारक सबसे पहले बना था? आंसर है चार मीनार हैदराबाद। मौर्य साम्राज्य के बाद किसका शासन आया? सही आंसर है शुंग राजवंश। किस राज्य के मुख्यमंत्री गोरखनाथ मठ के महंत भी हैं? सही आंसर है उत्तर प्रदेश। विजेंदर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है बॉक्सिंग। हाल ही में 2020 में बैम्बू पर दो दिवसीय कार्यशाला कहां संपन्न हुई? आंसर है जम्मू। सबसे गर्म ग्रह कौन है? सही आंसर रहेगा शुक्र। विजेंदर सिंह किस राज्य से हैं? आंसर है हरियाणा। गुलाम वंश की एकमात्र महिला शासक थी? सही आंसर है रजिया सुल्तान। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल गुलमर्ग कहां स्थित है? आंसर है जम्मू कश्मीर। हाल ही में 2020 में उत्तर प्रदेश सरकार ने लखनऊ और किस शहर में पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है? सही आंसर है नोएडा। किल मेकिंग वर्ल्ड किसने लिखा था? सही आंसर है हरपर ली। नारायण घाट किसका समाधि स्थल है? सही आंसर है गुलजारी लाल नंदा। भारत का पहला डिजिटल राज्य है? सही आंसर है केरल। फतेहपुर सीकरी कहां स्थित है? आंसर है आगरा। भारत में सर्वाधिक सिल्क उत्पादक राज्य है? आंसर है कर्नाटक। हाल ही में 2020 में किसे बीसीसीआई के पॉली उमरीगर पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? सही आंसर है जसप्रीत बुमराह। लोहा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? सही आंसर है हरी सब्जियों में। माउस का आविष्कार किया? सही आंसर है डगलस इंगलवर्ट ने।
रक्षा के सर्वोच्च कमांडर हैं। सही आंसर है राष्ट्रपति। हाइड्रोजन से भरा रबड़ गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि, आंसर है वायुदाब घट जाता है। हाल ही में 2020 में वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट कहां संपन्न हुई? सही आंसर है अबू धाबी। और दोस्तों इसका थीम रहा रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट। दूध को दही में बदलने वाला बैक्टीरिया है? आंसर है लैक्टोबैसिल्स। दूर की चीजों को नजदीक देखने वाला यंत्र है? आंसर है टेलीस्कोप। साइना नेहवाल संबंधित हैं? आंसर है बैडमिंटन से। किसके संक्रमण के कारण खसरा होता है? आंसर है विषाणु। हाल ही में 2020 में अमेरिका ने किस देश को मुद्रा मैनिपुलेटर की सूची से हटाया है? आंसर है चीन। नोट्रे डेम चर्च कहाँ स्थित है? आंसर है पेरिस में। गन्ने के रस से शराब बनाना उदाहरण है? आंसर है किडवन का। पर्यावरण के अध्ययन को कहते हैं? आंसर है इकोलॉजी। थायराइड ग्लैंड में उपस्थित हार्मोन है? आंसर है थायरोक्सिन। किस में क्लोरोफिल नहीं होता है? आंसर है कबक। भारत का नियाग्रा झरना कहा जाता है? आंसर है चित्रकूट को। सफेद ग्रंथि पाई जाती है? आंसर है त्वचा में। भारत के पहले फुल डोम 3D डिजिटल थिएटर का उद्घाटन कहां किया गया? सही आंसर है कोलकाता। नाथुला दर्रा स्थित है? आंसर है सिक्किम, यानी कि गैंगटॉक सिक्किम में। डायमंड किस तत्व का बना है? आंसर है कार्बन। अपगर स्कोर एक टेस्ट है? सही आंसर है एक नवजात बच्चे के स्वास्थ्य की जांच के लिए। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है 18 अप्रैल। 2019 में किस महिला क्रिकेटर खिलाड़ी को शिव छत्रपति पुरस्कार दिया गया? सही आंसर है स्मृति मंदाना। ब्लैक गोल्ड कहा जाता है? आंसर है पेट्रोलियम को। दीपा कर्माकर किस खेल से संबंधित हैं? आंसर है जिम्नास्टिक। भारत के किस राज्य में सबसे ज्यादा लेपचा पाए जाते हैं? आंसर है सिक्किम। साबरमती नदी किस शहर के किनारे बहती है? आंसर है अहमदाबाद। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? आंसर है मध्य प्रदेश। शेर पंजाब किसका उपनाम है? आंसर है लाला लाजपत राय। 2019 में पहला फुटबॉल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया? आंसर है सुनील छेत्री। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? सही आंसर रहेगा B.I. लेनिन। इंडिया विंस फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सही आंसर है मौलाना अबुल कलाम आजाद। रिएक्टर स्केल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? आंसर है भूकंप के झटके। सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? सही आंसर रहेगा बोध गया में। जातक पवित्र ग्रंथ है? सही आंसर है बौद्धों का। 2019 में भारत का पहला जिला कूलिंग सिस्टम कहां बनाए जाने की घोषणा की गई? आंसर है आंध्र प्रदेश। पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को कहते हैं? आंसर है घूर्णन। फाउंटेन पेन के आविष्कारक हैं? सही आंसर है लेविस बाटरमैन। रिवॉल्वर के आविष्कारक हैं? आंसर है सैमुअल कोल्ट। बल का SI यूनिट है? आंसर है न्यूटन। 2019 में सीनियर राष्ट्रीय बैडमिंटन चैंपियनशिप किसने जीती? आंसर है साइना नेहवाल। ऊष्मा के अध्ययन को कहते हैं? सही आंसर रहेगा थर्मोडायनामिक्स। विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक था? आंसर है हरिहर एवं बुक्का। MRP का अर्थ है? आंसर है मैक्सिमम रिटेल प्राइस। नई दिल्ली का डिजाइन तैयार किया गया था? सही आंसर है एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा। बाईफोकल लेंस के आविष्कारक हैं? सही आंसर है बेंजामिन फ्रैंकलिन। प्रधानमंत्री मोदी ने आदिवासी छात्रों के लिए एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन कहां किया? सही आंसर है महाराष्ट्र। पाल राज साम्राज्य का संस्थापक था? सही आंसर है गोपाल। पेशमेकर से संबंधित अंग है? आंसर है हृदय। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? आंसर है 12। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी? सही आंसर है 1906 ईस्वी में। भारत के पहले कृषि पूर्व अनुमान केंद्र का उद्घाटन कहां किया गया? आंसर है कर्नाटक। मलेरिया की दवाई बनाई जाती है? सही आंसर है सिनकोना पेड़ से। आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता हैं? आंसर है लेवोजियर।
भारत में प्रथम प्रकाशित हिंदी समाचार पत्र है? सही आंसर है उदंत मार्तंड। एल्युमिनियम धातु का अयस्क है? सही आंसर है बॉक्साइट। केरल का प्रसिद्ध नृत्य है? आंसर है कथकली। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? सही आंसर रहेगा त्रिवेंद्रम। भारत में दास वंश की स्थापना किसने की थी? आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? आंसर है ओडिशा। गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? आंसर रहेगा यंग इंडिया। किस राज्य में जस्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? आंसर है राजस्थान। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद किसे संदर्भित किया जाता है? आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। मानसून हवाएं हैं? आंसर है स्थानीय पवने। म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? आंसर है सुदूर पूर्व धान का कटोरा। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? सही आंसर है संगमरमर। दोस्तों, आपके लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आपको स्टैटिक जीके की जरूरत है तो मैंने एक 1000 स्टैटिक जीके का यानी कि 1000 स्टैटिक जीके क्वेश्चन का एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें मैंने लगभग 52 टॉपिक कवर किए हैं जो कि हर एक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। आप उसे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और साथ ही साथ मैं उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। दोस्तों, आप इस वीडियो को लगातार देखें, बार बार देखें, आपका स्टैटिक दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो यहीं एंड होता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जिससे कि आपको मेरे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पर मिलता रहे। चलिए दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।